हिमाचल के ऊपरी हिस्सों के ऊंचाई वाले स्थानों में सेब सीजन आजकल जोरों पर है, और जो सेब बोरी में यानी कि बी ग्रेड का होता है उसे मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं। इससे ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न सेब एकत्रीकरण केंद्र भी खोले जाते हैं, लेकिन समय पर सेब ना उठाए जाने से बागवानों में काफी रोष है, और ये रोष है कि सेब बोरियों में सेब एकत्रीकरण केंद्र में पड़ा सड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों की ऊंचाई वाले स्थानों में सेब सीजन जोर पर है। जो सेब बोरी में यानी कि बी ग्रेड का होता है उसे मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं। इससे ठेकेदार के माध्यम से विभिन्न सेब एकत्रीकरण केंद्रों में उठाया जा रहा है, लेकिन समय पर सेब ना उठाए जाने से बागवानों का सेब बोरी में एकत्रित केंद्रों में पड़ा सड़ रहा है। समय पर बोरी सेब उठाकर प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचाने की व्यवस्था तो सरकार ने नहीं की है, जिसका नुकसान उन्हें हो रहा है। बागवानों का आरोप है कि ठेकेदार संबंधित सरकारी एजेंसियों से मिलकर चांदी कूट रहे हैं। बागवानों का आरोप है कि HPMC के माध्यम से ठेकेदार 37 किलो की बोरी लेते हैं, लेकिन हर बागवान के पास सेब तोलने की व्यवस्था ना होने के चलते बोरियों में 45 किलो से ज्यादा सेब होता है। केंद्र में बोरी तोलने के लिए ठेकेदार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है और बागवानों को चूना लग रहा है। तोल के लिए ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सही व्यवस्था नहीं की गई है, इसमें सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बागवानों का आरोप है कि HPMC के केंद्र में MIS का बोरी सेब 10 से 5 कार्यालय समय में लिया जाता है। वैसे भी बागवानों को समय पर ना गाड़ी और ना मजदूर मिलते हैं, ऊपर से कार्यालय का समय भी झंझट वाला है। बागवानों का यह भी आरोप है कि हजारों बोरी सेब परमाणु प्रोसेसिंग केंद्र लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां से खाली बोरियां कहां जाती हैं इसका कोई पता नहीं है, जबकि पहले सरकारी एजेंसियां इसका हिसाब रखती थी। उनका आरोप है कि बाजार से खाली बोरी महंगे दरों पर क्रय करनी पड़ रही है, सरकार सस्ती दरों पर इन्हें बोरियों को वापस बागवानों को देनी चाहिए। MLA रामपुर नंदलाल ने आरोप लगाया कि बागवानों की सुविधा के लिए सरकारी स्तर पर दी जा रही सुविधाएं ना काफी हैं। MIS की मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद केंद्रों से सेब तोलने की कोई सही व्यवस्था नहीं है और बागवानों का बोरी सेब समय में नहीं लिया जा रहा है। हमें तो जहाँ तक सेब की बात है, इसमें ये कहना है कि सरकार की तरफ से बड़े उम्मीदें थी लोगों को, क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े वादे किए गए कि सड़कें खुली रहेंगी, सेब कहीं फंसेगा नहीं, जो आपका जो MIS के थ्रू जो सेब डंप हुआ है इसको टाइमली सप्लाई मिले, मगर कुछ नहीं हुआ। पूरी सीजन के अंदर कई सड़कें बंद रही, लड़कों के जो सड़कों पे जो है गाड़ियां डंप रही, माना भारी बरसात थी, उसमें जो ऑपरेशन है हमारी जो कंटिजेंसी प्लान है गवर्नमेंट की वो इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं रही, जिससे जब लोगों से नुकसान पड़ गया। रही बात, बागवान हरिश्चंद्र ने कहा कि सेब की बोरियां MIS के तहत HPMC ले रही है, लेकिन सेब की बोरियां तोलने का सिस्टम सही नहीं है, ऐसे में इन मनमानी व्यवस्था पर सरकार ध्यान दे। उन्होंने कहा कि सरकार देखे कि बागवानों को कैसे चूना लग रहा है और इसका फायदा किसको हो रहा है। बोरी में कोई ये नहीं है कि भाई ये कितने 35 किलो की है या 40 किलो की है, वो गिरा चला हुआ है बस। हाँ बोरी ला जी, हाँ जी कितनी बोरी है नोट कर दो, वेट उसका होता नहीं है। तो इस पर भी प्रॉपर सरकार ध्यान दे कि भाई कितना वेट होना चाहिए एक बोरी का, ताकि लोगों को तसल्ली हो। इस तरह का जो मनमाना जो कार्यक्रम चला हुआ है ये नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार बड़ी गंभीरता से सोचे कि बागवानों का शोषण हो। पिछली बार सेब लिया HPMC ने, आज तक उसका पैसा नहीं मिला, लोगों को बहुत परेशान है। किसी को तो दवाइयाँ मिली, किसको वो जो भी मिलना था वो मिला, पर इस बार अभी तक कई लोग ऐसे जिनको अभी तक उसका पैसा ही नहीं भुगतान किया गया। वहीं विनोद कुमार ने बताया कि सेब भरने के लिए लोगों को बोरियां नहीं मिल रही हैं, बोरियां खाली 50 रुपए तक मिल रही हैं। पहले सेब बोरी परमाणु में फैक्ट्री में जाने के बाद खाली होकर वापस आती थी और सामान्य दर पर बागवानों को दी जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है।